अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फ्रेंड्स। कैसे चल रहे आपके रोज़े? आई होप सब कुछ ठीक चल रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने राजमा राइस की रेसिपी लाई है, जो बहुत ही सिंपल और इंस्टेंट तरीके से बनती है। तो ये देखिए, पैन को गरम करेंगे और साथ ही ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही गरम होता है, ज़ीरा और करी लीव्स यानी करी पत्ता अच्छे से चटकाएंगे और साथ ही ऐड करेंगे हरी मिर्च और प्याज कटी हुई। इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, लगभग 5 मिनट तक मीडियम से हाई फ्लेम पे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस पिंकिश कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भर के और अच्छे से इसे भून लेंगे सारा कच्चापन निकल जाने तक। साथ ही ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टमाटर लिया है, लाल टमाटर। इनको भी अच्छे से भून लेंगे, साथ ही पुदीना और धनिया ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे राजमा और इन सभी को जो है ना अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इससे क्या होता है, राजमा का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये अच्छे से भुन जाने के बाद जो है ना, हम ऐड करेंगे सबसे पहले एवरेस्ट का बिरयानी मसाला पाउडर और साथ ही एवरेस्ट का मीट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर आधा आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है। साथ ही ऐड करेंगे नमक, हसबे ज़रूरत ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के दही ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पसंद तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से भून लेंगे इन सभी को और पानी मेजरमेंट के हिसाब से ऐड करेंगे। जिस तरह से आपने राइस लिए है ना, उतना ही आपको पानी ऐड करना है और साथ ही यहाँ पर राइस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दावत 16 रोज़ाना के राइस लिए हैं और उसी हिसाब से जो है ना पानी ऐड किया था। अच्छे से मिक्स करके इसके 2 से 3 विजल लेंगे और यहाँ पर ये गर्मा गर्म हमारे राजमा राइस बनकर रेडी है। ये बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनते हैं, आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, ख़ास करके इफ्तार में। और इसमें अगर आप घी ऐड करेंगे यानी तड़का देते समय आप घी में देंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा यम लगते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर इफ्तार को काफ़ी टाइम था, उसके बाद भी डिनर लेट होता है ना, तो मैंने यहाँ पर ऑयल में बना दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 समोसा बनाया था। उसके लिए पैन गरम करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे करी पत्ता। इनको अच्छे से चटकाएंगे और हल्की सी प्याज ऐड करनी है, ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करनी है। ये बहुत ही इंस्टेंट तरीके के समोसे हैं, आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं और ख़ास करके इफ्तार पे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच ऐड करेंगे और हल्का सा भून लेंगे और साथ ही ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से भून लेंगे इनको और साथ ही ऐड करेंगे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी अच्छे से सौते करेंगे, 80% तक कुक करना है, पूरा 100% कुक नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर बॉयल्ड मटर ऐड करने हैं, मैंने मटर को अच्छे से बॉयल करके लिया था। साथ ही बॉयल्ड आलू को मैंने ग्रेट करके लिया है, यहाँ पर 1 से 2 आलू है। उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े अंडे मैंने यहाँ पर बॉयल करके ग्राइंड करके लिए है, यानी अच्छे से घिस कर लेना है। और इन सभी चीज़ों को जो है ना अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स करके लेना है, बढ़िया तरीके से। ये बहुत ही इंस्टेंट तरीके से इसकी स्टफिंग बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम लगती है। आप लोग ज़रूर इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई करना, आई होप कि आपको पसंद आएंगे। उसके बाद हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच, सेम सोया सॉस ऐड करेंगे और ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। ये तीनों सॉस आने के बाद हसबे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे चलाते जाएंगे। और यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स। जी, यहाँ पर धनिया की बारिश लाजमी बनती है। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ये देखिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। इसी तरीके से आप एक दफ़ा एक बाइट टेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने समोसा कुछ अलग तरीके से बनाया था, ये देखिए स्क्वायर समोसा बनाया था मैंने, बाद में उसको जो है ना ट्रायंगल का शेप दिया था। तो कुछ अलग तरीके से बनाने की कुछ मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पर ये देखिए, स्टफिंग कुछ इस तरह से भर देनी है हम लोग को और समोसे की पट्टी कुछ इस तरह से रख देनी है। उसके बाद यहाँ पर गेहूं के आटे का बैटर जो है ना मैंने बना कर लिया है, ये अच्छे से सेट करने के लिए काम आता है, अच्छे से चिपक जाते हैं यहाँ पर ये समोसे की पट्टी। और इसी तरीके से तीनों तरफ जो है ना ये बैटर लगाकर हम चिपका देंगे एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए इस तरह से
जब मैंने ये बनाए थे ना तो बच्चे तो इसके ऊपर टूट ही पड़े थे, इतना उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने सोचा इस तरीके से तो अंडा खाते नहीं है बच्चे, तो इस तरह से हम अगर बना कर देंगे ना कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक सा, तो बच्चे बहुत मज़ा लेकर खाते हैं और हम लोग को भी देख कर जो है ना सुकून मिलता है कि चलिए ये ना ये तरीके से बच्चे खा तो रहे हैं ना। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करना। ये देखिए इस तरह से जो है ना इसका फाइनल लुक है, और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से सभी समोसा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर ढेर सारे समोसे बनाकर लिए थे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था इसे फ्राई करने के लिए, और मैंने यहाँ पर एक समोसा इसके अंदर ऐड कर दिया। और मीडियम से लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे ना तो ऊपर से बहुत जल्दी जो है ना समोसा जल जाएंगे और अंदर से जो है ना खाने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी तरीके से हल्की फ्लेम पे से फ्राई करेंगे ना क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही यम लगेंगे, एकदम क्रंची ऊपर से और जूसी अंदर से। तो इस तरीके से मैंने सारे समोसे फ्राई करके ले लिए थे, और उसके बाद जो है ना और मैंने इसे कट करने का कुछ इस तरीके से जुगाड़ किया था ट्रायंगल शेप में, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एक समोसा मैंने सबसे पहले ले लिया, मैंने सोचा इस तरह से कट करूँगी तो कैसे लगता है देख लेते हैं एक दफ़ा। तो बस यहाँ पर ट्रायंगल शेप में मैंने इसे कट कर दिया, और ये देखिए इसके अंदर की स्टफिंग और इसकी जूसीनेस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता। और जो अंडा था ना हमारा वाइट पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा था चीज़ की तरह। उसके बाद इफ्तार का ये फाइनल लुक देखिए दस्तरखान का, ये मोहब्बत का शरबत, उसके बाद फ्रूट्स, देन उसके बाद गुलाब जाम, उसके बाद यहाँ पर गाजर का हलवा, और ये ट्रायंगल शेप के समोसे, यहाँ पर राजमा राइस है, यहाँ पर अंडा करी बनाई हुई, ये पुदीने की चटनी और ये चपाती। पुदीने की चटनी भी बहुत ज़्यादा यम लगती है, इसकी भी रेसिपी एक दिन लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और ये फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय।